हालेलुया। आप सबों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आज आपके आंसुओं को पोंछेगा, आज आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो अच्छा है। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अद्वितीय है, यीशु अतुलनीय है, यीशु असंभव को संभव करने वाला है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, किस बात की चिंतित हो के आप यहाँ आए हैं? यीशु मसीह कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो लाल समुद्र दो भाग करने वाला और रेगिस्तान में पानी की धारा बहाने वाला परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जो हम सब से आपसे प्यार करता है। उसने क्रूस पर खून की आखिरी बूंद आपके लिए, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए बहा दी। आप उसके खून खरीदे हैं मेरे प्रियो, और ये वो आपके हर एक के दिल में, आपके शरीरों में वो रहता है। जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 3:16-17, ये हमारी देह, ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इट्स द टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड। 17 में हमने पढ़ा कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। परंतु हमारा परमेश्वर अंधकार को ज्योति में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आज आप अंधकार में ऐसी असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? मेरे जवान बहनों, जवान भाइयों, क्या आपको लगता है आपका भविष्य अंधकार में है? क्या मैं पढ़ पाऊंगा? क्या मैं नौकरी प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मैं प्रतियोगिता की परीक्षा पास कर पाऊंगा? ये चिंता लेके आप अपना जिंदगी जी रहे होंगे। आज खुशखबरी, शुभ संदेश यीशु लाए हैं, वो आपके अंधकार को ज्योति में बदल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यूहन्ना 8:12 में लिखा हुआ है, और भजन संहिता 18:28 में लिखा हुआ है कि मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार को ज्योति में बदल देगा। क्या जाओ ऐसे अंधकार परिस्थितियों से खो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपको कोई सता रहा हो, आपको कोई ओ बड़ा शोषण कर रहा हो, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, वो छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर जो कहता है यिर्मयाह 15:21 में, मैं तुझे दुष्ट के हाथों से छुड़ा लूंगा, मैं तुझे ओ उपद्रवी लोगों के पंजों से ओ छुड़ा लूंगा। I will deliver you from the hand of the wicked. Hallelujah. I will redeem you from the grip of the devil. That's the good news. मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रियो, हम सब इस बुरे दौर में से, ये कोविड महामारी, ये बीमारी क्यों के दौर से हम निकल के आए हैं। आज यीशु ने हमें जीवतों की भूमि में रखा है, जिंदा रखा है मेरे प्रियो, क्यों? उसकी महिमा करने। हालेलुया। आप उसकी महिमा करेंगे, हम सब उसकी महिमा करेंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, इस कोविड के दौरान हमने कई प्रियजनों को खो दिया, छोटी छोटी उम्र में हमारे पहचान वाले, हमारे प्रियजन, हमारी कलीसिया के सदस्य, कई लोगों को हमने खो दिया, दुनिया से चले गए, कई परिवार में माता पिता का देहांत हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, ओ बच्चों का देहांत हो गया, जवानों का देहांत हो गया। आए एक भिलाई में एक बड़े ऑफिसर को मैं जानता हूं, जनरल मैनेजर की पोस्ट में थे वो, और उनका 52-55 में अचानक से ये कोविड में उनकी जान चली गई, और उनके बच्चे अभी पढ़े लिखे कंप्लीशन नहीं किए थे, कोई 10th में था, एक 12th में था, और वो कोरोना के कारण प्रभु के पास चले गए। उससे पहले मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वो जनरल मैनेजर थे,
तो उनका पारिवारिक संबंध था, मैं उनके बच्चों को, उनकी पत्नी, सबको जानता हूँ, और हमारा उठना बैठना था। तो बच्चे लोग मेरे पास आते थे, उन्होंने कुछ मतलब ऑनलाइन का काम था तो मैं उनकी हेल्प करता था। तो उस दौरान पता चला मेरे प्रियो, उनके बच्चों की आदत, मम्मी पापा दोनों ड्यूटी कर रहे हैं, फादर जनरल मैनेजर है, माँ भी ऑफिसर है एक सरकारी कंपनी में, बिजी है। और बच्चे लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं KFC से दोपहर का खाना, रात का डोमिनोज से पिज्जा मंगा रहे हैं, दूसरे दिन किसी और से चिकन चिली, ये वो। और मैंने जाना कि उनके पापा को उससे पहले डायबिटीज और पैर सूज गया था। तो मैंने समझा ये जो खाने की आदत है, ये जो रोज रोज होटल का खा रहे हैं, उससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं यीशु का प्रचारक होने के नाते मेरे पास पीड़ित लोग, दुखी लोग, बीमार लोग आते हैं। एक भाई आया, उसका पैर इतना मोटा सूजा हुआ, पूरा यहाँ तक का सूजा हुआ, तलवा तो खास तौर से इतना भयानक जैसे हाथी का पैर रहता है। और उसने बताया, भाई मेरा शुगर एकदम हाई लेवल हो गया है और मुझे इंसुलिन लेना पड़ रहा है 4 बार दिन में। और कुछ हमने प्रार्थना की उसके लिए, और कुछ दिन बाद पता चला वो अस्पताल में भर्ती है, सीरियस है, डॉक्टर बोल रहे हैं उसका पैर काटना पड़ेगा। और उसने मुझे अस्पताल के बिस्तर से फोन किया, ब्रदर मेरे बच्चे जवान हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं अकेला कमाने वाला, यदि मेरा पैर को एम्प्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरी नौकरी का क्या होगा, चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, मैं अपंग हो जाऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन जाऊंगा। अय्यूब की किताब 7:20 में लिखा, अय्यूब कहता है, हाय मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया। और हमने, मैंने आंसुओं के साथ उसके लिए प्रार्थना की। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 56:56 उसका 8वां वचन, जब हम रोते, जब हम आंसू बहाते, हमारे आंसू ऐसा लगता है हमारी शर्ट में, हमारी साड़ी में, जमीन पे, दरी पे गिर रहा है, चादर में, बिस्तर में गिर रहा है। परंतु बाइबल बताती है यीशु मसीह दयालु, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ हमारे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है। हर एक आंसू जब भी आप रात को दर्द के मारे परेशान होके, या चिंता के मारे, टेंशन के मारे, बच्चों के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने भविष्य के लिए आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको शारीरिक कमजोरी है, दिल में बड़ा दर्द है, बोझ है, याद रखिए जब आप रोते हैं यीशु आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। और वो कहता है मैं तेरे आंसुओं को बोझूंगा, मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। यूहन्ना 16:20 में लिखा हुआ है ऐसा। यशया 61 उसका 30वां वचन कहता है यीशु मसीह दुनिया में आए, क्यों आए, हर एक विलाप करने वाले को, हर एक जो उदास है, दुखी है, दर्द से परेशान है, उनको शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए आज यीशु आज अपने बच्चों के बीच में शांति देने के लिए, शांति का राजकुमार आपके दिलों को शांति से भर देगा। ये मेरे वचन नहीं है, यीशु के जीवित वचन है मेरा प्रियो। और बाइबल बताती है वो हमारे आंसुओं को बोझ डालेगा। यशया 25:8 में इस दुनिया में आया मृत्यु को निगलने के लिए और हमारे आंसुओं को बोझने के लिए। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। यीशु अच्छा है, अद्भुत है, असंभव को संभव करता है, हमारे अंधकार को ज्योति में बदल देता है। और यीशु ने प्रार्थना सुनी, क्योंकि टूटा दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप टूटे हुए होते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप आंसुओं में निराश दुखी बैठे रहते हैं, मेरे जवानों, मैं प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि कई जवान यहाँ पे हद बेचैन है, निराश है अपने भविष्य के लिए। यीशु कह रहे हैं
मेरा अपना भविष्य मुझको सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य को नियंत्रण में रखता हूँ। मेरे प्रियो, हमारे आंसू ना यीशु के प्यार भरे कोमल दिल को पिघला देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे यीशु की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो सबसे ज्यादा यीशु मसीह प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? What Jesus is famous for? उसके प्यार के लिए, क्योंकि उसने कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, कीले ठोके गए, मुक्के मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, मुंह नहीं खोला। यशया 53:7 में लिखा हुआ, वो सताया गया, कुचला गया, मारा गया, उसको दुर्दशा में छोड़ दिया गया, उसने अपना मुंह नहीं खोला। मेरे प्रियो, जब हमें दर्द होता है ना, तो हम तो चिल्ला उठते हैं। एक बार छुटपन में मेरा उंगली में चोट लग गई थी और यहाँ पस जम गया। डॉक्टर के पास गया तो पस जम गया तो इंजेक्शन से वो निकालने लगे, तो इतना दर्द होने लगा, मैं चिल्लाने लगा। मैं बोला, नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं आऊंगा घर में और अपनी प्यारी मम्मी से बोलूंगा, मम्मी आप निकाल दीजिए। और मेरी मम्मी बड़े प्यार से, कोमलता से, एकदम वो धीमे से, वो प्यार से निकालेंगी सुई, सुई का वो नोक को टूच टूच के धीरे से, और मम्मी निकालने लगी धीरे धीरे, जबकि वो धीरे धीरे पिंच कर रही थी वो पस को, परंतु दर्द हो रहा था। मैं चिल्लाने लगा, यीशु, जीसस, जीसस। मुझे वो कलवरी के कांटों का ताज का दृश्य याद आ गया। बाइबल विशेषज्ञ बताते हैं, कांटों का ताज जो था, बड़े बड़े कुटीले कटीले वो थे, कांटे थे, और 173 कांटे थे, 174 कांटे थे। वो कांटों का मुकुट गढ़ा दिया गया और डंडे से मारा। सोचिए, सिर हमारा सबसे डेलिकेट है, यहाँ का त्वचा, और एक चुभन से अगर पिंच छोटी सी चुभती है, कीला चुभ जाता है, कितना दर्द होता है। परंतु बाइबल बताती है, यीशु ने मुंह नहीं खोला, यीशु ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि हमारे दर्दों को उसने उठा लिया, कीलों के दर्द को, कांटों के दर्द को, 150 किलोग्राम का भारी क्रूस उसने उठाया। वो गोलगथा की ऊंचाई, उबड़ खाबड़ रास्ता था, वो उठा रहा था, परंतु उसने आवाज नहीं निकाली, दर्द के मारे नहीं सहा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो आपका सिर दर्द, आपका बदन दर्द, घुटनों का दर्द, उसने क्रूस पर हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया है। और यीशु हमारे आंसुओं को सुनकर, देखकर, प्रार्थना को उसको चंगा कर दिया। अद्भुत आश्चर्यकर्म हो गया, मिराकल हो गया। और कुछ दिनों बाद फोन करके बताया, ब्रदर सैमुअल, चमत्कार हो गया, मिराकल हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी जो स्वेलिंग, हाथी पांव जो बन गया, फूल गया था, वो बिल्कुल सिकुड़ गया है, नॉर्मल हो गया है। डॉक्टर बोल रहे हैं, एम्प्यूट करने की, काटने की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, मैं आनंदित हुआ। हमारा यीशु हमारे आंसू को पोंछता है, उसका दिल पिघल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह प्रसिद्ध है अपने प्यार के लिए, करुणा के लिए। यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 86:15, भजन संहिता 103:8, भजन संहिता 111:4, भजन संहिता 116:5, एक भजन संहिता 145:8, योना 4:2, नहेमिया 9:17, और भी कई वचन है, उसमें लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह प्यार से भरा हुआ, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला है। और वो भाई थोड़े दिन बाद आया, फिर गवाही देने लगा। एक बार मैं, ब्रदर, कल शादी में गया था, रिसेप्शन में, और मैंने 10-10 रसगुल्ले खाए और जलेबियां खाई और क्या मलाई चाप, और क्या क्या बोला वो, ये सब मैंने खाया, सब मजा आ गया करके, और मेरे को अभी आज देखो कुछ नहीं हुआ करके। मुझे वो याद आने लगा, ऐसा क्यों बोल रहा है वो अभी पैर कटने की सिचुएशन से यीशु ने बचाया, फिर से वो 10-10 रसगुल्ले खा रहा है। मैंने उसे समझाया, भाई आपकी जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा हुआ है,
पहला कुरिन्थियों 6:19 में भी लिखा हुआ हमारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु ने खून से आपको आपके शरीर को खरीदा है। मैं याद करने लगा मेरे प्रियो, ये जो जवान भाई था, बच्चे अभी पूरे पैरों में खड़े नहीं, कॉलेज में नहीं पहुंचे, पैर काटने की नौबत आ गई, फिर से वो रसगुल्ला खा रहे, 10-10 जलेबियां मलाई चाप ये सब खा रहे, तो क्या कारण है मेरे प्रियो? बाइबल बताती है अगर आपके पास डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है कि आपको ये बीमारी है, लाइलाज कैंसर की बीमारी है, ट्यूमर हो गया है, ये आपके प्रियजन को मर जाएगा वो 6 महीना 1 साल में। मेरे प्रियो यीशु मसीह क्यों आए, कितने साल जिए मालूम आपको यीशु मसीह? 35.5 साल है ना, वो छोटी उम्र जिए। जीसस क्राइस्ट लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ टू गिव अस अ लॉन्ग लाइफ, वो उन्होंने छोटा जीवन जिया ताकि हम लंबी आयु जिए। मेरे प्रियो मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ, वचन संहिता 91 उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर हमें दीर्घायु से लंबी आयु से तृप्त करेगा, आप सबको तृप्त करेगा। आप अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको भी लंबी दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। निर्गमन उसका 23वां अध्याय उसका 26वां वचन कहता है, वो हमारी आयु को पूरी करेगा, आपकी आयु को, आपकी आयु को पूरी करेगा। एक और बड़ा सुंदर वचन है, खोल ले अय्यूब की किताब 5:5 और उसका 26वां वचन, कोई जिसको मिले जल्दी से पढ़ के हमें सुनाए। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है जी, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। आमीन। ये जीवित वचन, ये जो हमने पढ़ा है कि तू पूरी अवस्था में पहुंच गए, क्या लिखा हुआ है? कब्र को पहुंचेगा। आप पहुंचेंगे पूरी अवस्था को पूरी करके। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं कि 35 साल में मर गए, 30 साल में मर गए, 50 साल में मर गए, लंबी आयु का वादा यीशु ने किया है, परंतु इसके लिए क्या करना है, हमको पवित्र रहना है। मैं सोचने लगा वो भाई अपनी शारीरिक इच्छाओं को काबू नहीं कर रहा है, तो प्रेरित पौलुस का वचन मुझे याद आ गया, 1 कुरिन्थियों 9:27, वहां लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। मारता कूटता हूं मतलब उसकी शारीरिक इच्छाएं होती होगी है ना, तभी वो मारता कूटता है और वश में लाता है। वो भाई पैर कटने की सिचुएशन से बच के आया और शादी में गया तो 10-10 रसगुल्ले खाने लगा, वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसको वचन मालूम है कि प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु का सबसे बड़ा प्रेरित, हालेलुया, जिसने कितनी सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी, वो प्रभु यीशु का प्रचारक अन्य जातियों के लिए, वो कहता है मैं अपनी शरीर को मारता कूटता वश में लाता, क्योंकि आपका शरीर उसका मंदिर है, वो आप में रहता है, वो आप में is living among you, मेरे जवानों वो आप में रहता है। अगर आप यूसुफ के समान जिएंगे तो यूसुफ के समान ऊंचे में यीशु ले जाने की सामर्थ रखता है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे पार्शियलिटी हो, यीशु सबसे आपको विजय प्रदान करेगा मेरे प्रियो। ओ, और एक और वचन मुझे याद आ गया, 1 कुरिन्थियों 15:31 1 कुरिन्थियों 15:31 वहां हे भाइयों मुझे उस घमंडी की सोह जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ जी, कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आमीन। प्रेरित पौलुस कह रहा है मैं प्रतिदिन मरता हूँ। किसके लिए मरता है वो? अपने शरीर की इच्छाओं के लिए। हो सकता है सुबह से उसको इच्छा होती हो सैंडविच खाऊंगा, पकौड़ा खाऊंगा,
बर्गर खाऊंगा, हमारे घर के सामने जो है ना डोमिनोज का रेस्टोरेंट है, और जब ये कोरोना नहीं आया था तो सुबह जब से खुलता है 9 बजे से रात के 12 बजे तक वहां डोमिनोज का रेस्टोरेंट हाउसफुल रहता है। जवान लड़के लड़कियां मिल जाएंगे, मिडिल एज मिल जाएंगे, कुछ बुजुर्ग लोग भी मिल जाएंगे, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। और हम देखे ये कोविड के दौरान में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, नहीं खाओ ये सब, ये आपके लिए ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा शक्कर, ज्यादा ये मैदा आपके लिए शरीर के लिए हानिकारक है। आपको हम तो अपने शरीरों को जीवित पवित्र और भावता किया हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, यही हमारी आत्मिक सेवा है, रोमियो 12वां अध्याय 1वां वचन में लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22वां और 23वां वचन कहता है 9 फल पवित्र आत्मा के, है ना, उसमें से क्या क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, है ना। और एक और है, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, हिंदी में है संयम। सेल्फ कंट्रोल, क्या हम नियंत्रण रख पाते हैं? अगर नहीं रख पाते, आज ये संदेश यीशु ने बोला, बोल मेरे बेटे, मेरे लोगों को बता, क्योंकि वो तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जानते हैं आपने, यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, इब्रानियों 13:8 में लिखा हुआ है। और जब इजरायली लोग वो बयाबान में से, जंगल में से, विल्डरनेस में से, वहां ना कोई हॉस्पिटल था, ना अच्छा कोई खाने पीने का था, वो यात्रा कर रहे थे जंगल में से, सांप थे विषैले, बीच बीच में पानी नहीं मिल रहा था, खाने को नहीं मिल रहा था। परमेश्वर ने क्या किया मालूम, और कितने लोगों के लिए किया, अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 1वां अध्याय 46वां वचन, गिनती की किताब 1वां अध्याय 46वां वचन, गिनती की किताब 2वां अध्याय 32वां वचन। समय कम है इसलिए मैं आपको बताऊंगा वहां क्या लिखा हुआ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और ये मेरा मैसेज रिकॉर्ड भी हो रहा है तो उसको बाद में सुन सकते हैं, मगर वचन को नोट कर लीजिए, आप पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि समय कम है, पढ़ने का समय नहीं है। वहां लिखा हुआ है गिनती की किताब 1वां अध्याय 46वां वचन, गिनती की किताब 2वां अध्याय 32वें वचन में कितने लोग, इजरायली लोग वो मरुस्थल से निकल रहे थे, पुरुषों लिखा हुआ पुरुष 6,350,550, मतलब केवल पुरुषों की संख्या दे रहा है वो, 6,350,550। अगर हम परिवार में पत्नी, एक पत्नी और 4-5 बच्चों को जोड़ ले तो करीब 20-25 लाख की भीड़ थी। और बाइबल में बताता ही है, भजन संहिता 105:37 में उसको पढ़ ले, या मैं आपको बताता हूं जल्दी से वहां क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 105:37, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने उन्हें सोना चांदी के साथ मिस्र की गुलामी में से, और उनमें से कोई निर्बल ना था, 20-25 लाख की भीड़, उसमें से कोई निर्बल नहीं था। सोचिए वो मरुस्थल से यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है। वो तीसरा यूहन्ना 1वां अध्याय 2वां वचन कहता है, हे भाइयों, मेरी ये प्रार्थना है जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा चंगा करने वाला, उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यशया 53:5 में लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाने से, उसके घाव से हमें चंगे हो गए। एक एक कोड़े में 9-9 लड़ियां रहती थी और एक मार से पूरा मांस निकल आता था, यीशु की हड्डियां दिख रही थी। भजन संहिता 22वां अध्याय 17वें वचन में लिखा हुआ है कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता, I can count all my bones, यीशु मसीह की पीठ लहूलुहान मांस और चिथड़े चिथड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, उसकी हड्डियां दिख रही थी। इसलिए भजन संहिता 22:17 में लिखा हुआ है, मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता। मेरे प्रियो,
वो इसराइली लोग 25 लाख की भीड़ जब निकल रही थी उसमें से कोई भी निर्बल नहीं था। और हमारा परमेश्वर जिस बात के लिए प्रसिद्ध है क्या, प्यार के लिए, चमत्कार के लिए, और उसने क्या किया, वो इस बड़ी भीड़ को क्या खिलाया मालूम आपको? अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 78 और उसका 25वां वचन, भजन संहिता 78 और उसका 25वां वचन, वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई। वो मन्ना जो था ना, धनिये का स्वाद जैसा था, है ना, धनिये के जैसा छोटा दाना था और मधु के समान स्वाद था उसका, है ना। तो वो कैसा था, वो क्या था, वो स्वर्गदूतों की रोटी। इसलिए परमेश्वर जब उन्हें खिला रहा था तो उनमें से कोई भी क्या हुआ, निर्बल नहीं था। मेरे प्रिय, आज भी यीशु नहीं चाहते, ये आपका जो शरीर है उसका मंदिर है, वो नहीं चाहता निर्बल हो, क्योंकि यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला। इसराइल 25 लाख की भीड़, हम थोड़े हैं, थोड़े हैं, यीशु चाहता है। ओ आप भले चंगे रहे, तीसरा योना पहला अध्याय दूसरे वचन में हमने जैसा पढ़ा, भले चंगे रहे। मेरे प्रियो, डैनियल के जीवन में अगर हम देखेंगे, डैनियल की किताब पहला अध्याय उसका 10 से लेके 15वां वचन तक, 12वें वचन में खास तौर से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, डैनियल को कैदी बना के बेबीलोन में ले आया गया नबूकदनेस्सर राजा के समय में। और क्या हुआ, सबको वहां का 3 साल की ट्रेनिंग थी, और क्या मिल रहा था, राजा का भोजन, उसमें खूब मांस मटन। और मैं तो मिडिल ईस्ट में रहा हूं, गल्फ में रहा हूं, मुझे मालूम है वहां तो ये ऊंटों का मटन खाते हैं, भेड़ों का मटन खाते हैं, कहां कहां से आता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, नीदरलैंड से, ओ भयंकर मटन खाते हैं, चिकन तो खाते ही खाते हैं, पूरे नॉनवेज ही रहता है उनका ज्यादा। तो वो परमेश्वर देखिए वहां पर उसको, डैनियल को राजा का 3 साल का, कोई आज सोचिए, कोई आपको जैसे अपॉइंटमेंट हो गया प्रधानमंत्री या वो गवर्नर के कार्यालय में, और आपको वहां का भोजन मिलने लगा, क्या आप मना करेंगे? नहीं, वहां का तो, मैं मिलिट्री का इंटरव्यू देने गया था कई साल पहले, तो वहां का जो मिलता है वो अपना ब्रेड, हालेलुया, धन्यवाद दे, लाइट आ गई, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आप अच्छे हैं, अद्भुत है, असंभव को संभव करते हैं, अंधकार को ज्योति में बदल देते हैं, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, सारी रुकावटों को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं, हालेलुया, आपका जीवित वचन ओ प्यार और तरस से भरकर बहे, हालेलुया। डैनियल ने क्या किया, अच्छा भोजन मिल रहा था मुझे मिलिट्री में, तो अच्छा भोजन मिल रहा था, वहां बटर मिलता था, ओ बड़ा अच्छा ब्रेड, एग रोल और क्या क्या मिलता था, है ना, मैं मना नहीं कर पा रहा था, परंतु डैनियल ने मना किया। और क्या कहा मालूम है आपको, अगर हम पढ़ेंगे डैनियल की किताब पहला अध्याय 12वां वचन, वहां लिखा हुआ है, डैनियल ने बोला कि मेरे को केवल साग पात और पानी देना, है ना, साग पात और पानी मतलब सब्जी भाजी देना, मांस मटन नहीं देना, दाख मधु नहीं देना, केवल पानी और साग पात देना। उसने बोला अपने सुपरवाइजर खोजे से कि 10 दिन तक देखना और बताना। 10 दिन बाद देखा, उसके सुपरवाइजर खोजे ने देखा, अरे ये डैनियल का चेहरा लिखा हुआ है 15वीं आयत में कि उसका चेहरा क्या दिख रहा था, अच्छा और चिकना दिख रहा था, हालेलुया, अच्छा और चिकना। हमारा परमेश्वर अपने जो लोग हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, जो उसके प्रति समर्पित है, वो उनका आदर करेगा। पहला सामवेद 2:30 वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। अगर आप पवित्रता के खोजी हैं, वो यीशु का वचन कहता है भजन संहिता 29:2 में, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करे, ओ वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस, हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं, ऐने को देखते हैं, मगर हमारा परमेश्वर जानते हैं
क्या क्या देखता है? हमारी पवित्रता को देखता है। Our holiness is beauty in his sight. और holiness brings honor, higher position and oh hallelujah. Oh, वो आपके लिए आदर महिमा लाएगा आपकी पवित्रता। तो डैनियल का चेहरा चिकना और अच्छा दिखने लगा। उसको फिर उसके सुपरवाइजर खोजे ने बोला ठीक है सात बात और हम देखते हैं उसके बाद डैनियल उन सब में से ऊंचा में उठाया गया। क्या आज आप स्टैंड लेते हैं बुराई के विरोध में? नहीं, मैं बुरा काम नहीं करूंगा, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, चाहे मुझे नुकसान उठाना पड़े, मैं घूस नहीं दूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। आपके डेडिकेशन को, आपके समर्पण को यीशु आदर करेगा। हालेलुया। और जानते मेरे प्रियो, पहला पाप, मैं ये बड़ा रोचक विषय है और ये मैंने ये संदेश जो है यीशु ने कोरोना काल में दिया कि मेरे लोग मर रहे हैं, वो अपनी देह को पवित्र नहीं रख पा रहे, अपने मंदिर को नाश कर रहे गलत गलत खा खा के। तो ये वचन बता, सबसे दुनिया में सबसे पहला पाप क्या, किस क्रिया में आया, कोई बता सकता है? हाँ, क्या? खाने के द्वारा। खाने के द्वारा, ताली बजाएं बहन के लिए, खाने के द्वारा। हवा ने क्या किया? अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय छठवें वचन, वहां लिखा हुआ है हवा ने देखा वो फल जो परमेश्वर ने मना किया है खाने के लिए, लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय छठवां वचन। समय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है वहां पर। वहां लिखा हुआ है हवा देखी, अरे खाने के लिए अच्छा और दिखने में मन भाव है, उसने खाया और अपने पति को भी खिलाया, खाने का पाप। और उसके बाद मुझे स्मरण आ जाता है एक और बाइबल का, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय और उसका 29 से लेके 34वें वचन तक, वहां एसाव के बारे में दिया हुआ है, याकूब और एसाव। एसाव ने क्या किया? एक वो कटोरी भर दाल, मसूर दाल और कुछ रोटियों के लिए अपने पहलौटे का अधिकार छोड़ दिया। और इब्रानियों 12 और उसका 16 और 17 में दिया हुआ है, इब्रानियों 12 16 और 17 में, उसके बाद उसने पछताव किया, आंसू बहा बहा के रोया कि हाय मैंने अपना पहलौटा का अधिकार बेच दिया ये खाने के चक्कर में, हाय मैं, मुझे दोबारा आशीष दे दे यीशु परमेश्वर, मुझे दोबारा मौका दे दे। नहीं मिला, उसने आंसू बहा बहा के प्रार्थना की। आप पढ़ लीजिएगा इब्रानियों 12 16 और 17, मेरे जीवन नहीं मिला। देखिए कितना स्पष्ट है, कितना क्लियर है ये वचन। और इस बात में वो वजन देता है कि हमारे शरीरों को जैसे हमने पढ़ा पवित्र और सुंदर रखना है परमेश्वर के योग्य बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि वो ये शरीर हमारा नहीं उसका मंदिर है। इट्स द टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट, ही लिव्स इन अस, ही लिव्स इन यू, ही लिव्स इन यू, वहां के अंदर रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप निराश ना हो। और जो आप में अंदर रहता है वो कहता है जो संसार में है वो दुष्ट, उससे मैं बढ़कर Greater is he that is in you, that he that is in the world. पहला योहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, जो आप में रहता है वो ज्यादा सामर्थी है, हालेलुया, जो संसार में है। मेरे प्रियो, यदि हम और पढ़ेंगे, बड़ी सुंदर घटना है, अगर हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 9 अध्याय उसका पहले वचन से लेके 27 वचन तक, पढ़ सकते हैं आप घर में जाके, आप नोट कर लीजिए यहोशू की किताब 9 अध्याय पहला वचन से लेके 27 वचन तक, वहां लिखा हुआ है एक जब ये लोग इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल के आ रहे थे तो बीच में गिबोनी लोग मिले। उन्होंने क्या किया मालूम? वेश बदल के आए और एक धूर्तता का धोखेबाजी का काम किया। उन्होंने बताया हम बड़े दूर से आ रहे हैं, जबकि वो पड़ोस के ही थे। और उसकी सबूत के लिए क्या खिलाई उन्होंने? फफूंद लगी हुई रोटी खिला दी चुने हुए लोगों को। अरे फफूंद लगी हुई रोटी चुने हुए लोग खा रहे हैं, फफूंद हुआ आप जानते होंगे ना, फफूंद लगी, फफूंद। और लिखा हुआ है बाइबल में स्पष्ट दिया हुआ है
यहोशू 9:14 में उन्होंने बिना सलाह लिए यीशु से, परमेश्वर से खा लिया वो, और क्या हो गए, धोखे का शिकार हो गए। इसमें भी खाने के द्वारा पाप आ गया। पहला पाप जो आया था खाने की क्रिया के द्वारा आया। इसके बाद एसाव ने जो आशीषें खोई खाने के चक्कर में, एक बार के एक कटोरी मसूर की दाल और कुछ रोटियों के कारण पहलौठे का अधिकार बेच दिया। क्या आज आप भी ऐसा कर रहे हैं? आपका शरीर मेरे जवानों पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप रेस्टोरेंट में, केएफसी में, डोमिनोज में खा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं? ना मेरे प्रियो, इसको पवित्र रखिए। ये मंदिर है, साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको बीमार नहीं देखना चाहता। इसराइलियों को जब वो निकाल के लाया उसमें से 20-25 लाख की भीड़, एक भी निर्बल नहीं था मेरे प्रियो। हमने देखा वो रोमियो की किताब उसका 14:17 कहता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, खाना पीना नहीं है परंतु पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइटियसनेस पीस एंड जॉय इन द होली घोस्ट। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आनंद आज यीशु देना चाहता है। क्या आज आप रिसीव करने को तैयार हैं? हालेलुया, हाथ उठाए। मैं देख रहा हूं टाइम हो रहा है। हालेलुया, आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, अपने एक हाथ दिल में रख लीजिए और कहिए, यीशु धन्यवाद, यीशु आपने मुझसे बात की, मैं ये शरीर आपको सौंपता हूं, ये शरीर आपका मंदिर, इसमें आप रह रहे हैं पिता, मैं इसे पवित्र रख सकूं, मैं इसे पवित्र रख, मेरी सहायता। एक छोटे से कोरस के रूप में ये समर्पण का गीत गाएंगे। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता दिलों में गहरी जड़ पकड़ने पाए और उसके अनुसार चलने पाए। भजन संहिता 119-133 के अनुसार कोई भी अधर्म, कोई भी पाप उन पर प्रभुता ना करने दे। Order their steps in thy word, let not any iniquity have dominion over them, Lord. Keep them, protect them, prosper them, preserve them, Lord. Purify them, promote them, Lord. उनकी उन्नति कीजिए, उनको आशीष दीजिए आपकी पवित्रता में, आपके राज्य में। ओ, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से उनकी आशीषें आ जाए। बढ़े पिता, बढ़े, आशीषों को ढेल दीजिए पिता। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे मीठे नाम में, मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आखिरी में मैं बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती भी है और संदेश भी देती है, तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश में ये गाना गाया है, वीडियो सीडी है, तो मैं चाहता हूँ आप जरूर ले लें, इसकी कीमत 50 रुपए है, वीडियो सीडी है, गाना है हिंदी इंग्लिश का और मैसेज है मेरी मम्मी का, है ना। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डी है डॉक्टर अब्दुल कलाम से, 2003 में राष्ट्रपति पद से पुरस्कृत है वो, है ना। प्रिंसिपल रही है और HOD भी रही है सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई में, BEd की प्रोफेसर
HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट और दो PhD की है और ये मैंने किताब लिखी है प्रभु यीशु विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। इसमें आपको बताया गया कि यीशु मसीह हर क्षण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था कैसे मुझे पवित्र रखा, वहाँ कैसे आत्माओं को जीतने का मौका दिया मुझे। गांधीनगर में मैं था उस समय, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री वहाँ मुख्यमंत्री थे, वहाँ रह के मैंने प्रचार किया अन्य जातियों के बीच में, कलीसिया हुए, कैसे यीशु ने मेरी मदद की। कुवैत में भी वहाँ एयरपोर्ट में वहाँ के लोगों में वहाँ के हो अद्भुत रीति से बहुत सुंदर सुंदर गवाहियों के साथ, ये जीवित वचन है, ये इसकी कीमत 100 रुपए है, तो आप जरूर लें, अपने परिवार वालों के लिए लें और आशीष पाएंगे। और कल आपको अच्छा लगा ना, कितने लोगों को अच्छा लगा ये वचन, यीशु का वचन है, यीशु के लिए ताली बजाए। तो आप सबसे नम्र रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रियजनों को भी लेके आओ, क्योंकि कल एक और सुंदर वचन आप सुनने जा रहे हैं जिससे आपका दिल आनंदित प्रकाशित हो जाएगा, उजियाले से भर जाएगा। हालेलुया, ईश्वर सबको आशीष दे।